गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सबका हेमू आंसू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से, और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है ना आज यहाँ, ये देखो। ऐसी भीगना मत बेटा, ऐसी इधर आ जाओ, ऐसी नो। ये देखो, जैसे ही बच्चों का स्कूल का टाइम हुआ, बारिश इतनी तेज हो गई। यहाँ पे देखने कैसे चिड़िया मजे से भीग रही है। ऐसी भीगो नहीं बेटा, हाय करो ऐसी सबको। हाय, मैंने सोचा थोड़ा कम होगी तो ले जा दूंगी इसको। 7:30 हो रहे हैं, सुबह से लगी है, मतलब रात से ये बारिश। आज देखना, चलो थोड़ा ठंडा हो गया, नहीं तो गर्मी होने लग गई थी। टिफिन वगैरह बैग बिल्कुल रेडी कर रखा मैंने उसका, ये बैग रेडी कर रखा है। और अब बस थोड़ा कम हो जाएगी तो सीधे ले जा दूंगी मैं इसको। रेन कोट मैंने रखा है उसका, रेन कोट पहना के। ऐसे भीगना नहीं है, बस इसको तो पानी दिखे और बस हो गया। फिर ऐसे अंदर आओ, अंदर आओ। हेलो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं। गर्मी देखना, सुबह इतनी बारिश आ रही थी और अभी धूप हो गया। और ऐसे आज कौन आ रहा है? पापा। कहाँ से? करो रन लो, रन लो, बहुत बुरे लग रहे। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। घर से गांव से बोलना, यहाँ से क्या होता है? गांव से भैया भी आएगा। अभी आए हैं और अब मैं इसको खिलाती हूँ रोटी वगैरह, फिर ये सोएगी। किसका दांत टूटा था? अथा ठाकुर का। चल झूठी, अथा कौन ले जाता है दांत, कौन ले जाता है? रानी परी। रानी परी ले जाती है। अच्छा, कह रही मम्मी स्कूल में किसी का दांत टूटा। मैंने बोला किसका? कह रही अथर्व ठाकुर। बेटा उसकी मम्मी देखेगी ना व्लॉग तो उसकी मम्मी बोलेगी झूठ बोल रही है, उसी का टूटा। कौन ले जाता है? रानी परी। हाँ, बच्चों के भी बातें है ना। और आपके हाई कहाँ पे लगी दिखाओ, आपके हाई कहाँ पे लगी थी आज झूले में? सही हो गया। ये देखना इसके यहाँ पे तो आए थे अभी पापा, तो अभी बेटा श्रीनगर ही हैं, रात को पहुँचेंगे 9 बजे जब आप सो जाओगे। दांत को बेटा मिट्टी में रखते हैं, तब हम बोलते थे जब हमारा दांत टूटता था ना, तो हम बोलते थे चूहा चूहा हमारा पुराना दांत ले जा और हमें अपना नया दांत दे दे। चूहा? तो आता है वो सपने, वो ऐसे चुपके से आता है। हाँ, चुप कैसे आता है वो? आगे। इसके पापा पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, रात को ही पहुंचेंगे शायद। तो घूमते घूमते आ रहे होंगे वो, उन भैया की अपनी गाड़ी है, फिर वो अभी किसी का वेट भी कर रहे हैं, वो भी आएंगे शायद, दोनों ने भी जाना है दिल्ली, तो तब उस वजह से लेट हो रही है। देखते हैं, यहाँ तो अभी बारिश आई बहुत तेज। तो चलो अभी बाय करो दोस्तों को, ऐसे बोलो जब पापा आएंगे हम तब बनाएंगे। बाय बाय। जब पापा आएंगे भैया भी आएंगे। हाँ बाय। ऐथी कर रही है होमवर्क, कर कर लिखो, पी लिखो, पी फॉर। क्या था वो? तो कोई नहीं था, पानी गिराया किसी ने बस। कुछ भी हल्ला होगा ना इसको रोना आ जाता है, डर जाती है कि क्या हुआ वो। बारिश आ रही ना बाहर बहुत तेज, अभी तो नहीं आ रही, मतलब आ रही थी थोड़ी देर पहले। करो करो करो, चलो लिखो। हाँ, चोट लगी तो बेटा आराम से खेलना चाहिए ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है एक नई सुबह और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है कि मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं जोर जोर से बात कर रही हूँ। तो मैं आपको पहले बारिश दिखाती हूँ सबसे पहले, ये देखिए इतनी तेज बारिश आ रही है ना, इतनी तेज बारिश, जैसे ऐसे वो स्कूल छोड़ के आए बारिश बहुत तेज आ रही है। मैंने अभी इससे पहले थोड़ा सा वीडियो बनाया था एथी के साथ, मैंने उसके उसके पापा का इतना अच्छा मूवमेंट कैप्चर कर रखा था। वैसे तो उसने रात को ही देख लिया था अपने पापा को कि पापा आ गए हैं, लेकिन सुबह भी वो बहुत खुश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा ब्लॉग बनाया था उसका। तो पता नहीं क्या हुआ, वो वीडियो मेरी सेव ही नहीं हुई, मतलब वो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रही है वो। मैं दूसरे वाले नॉन स्टॉप कैम से डाउनलोड करती हूँ उसको, मतलब वीडियो जब शूट करती हूँ तो दूसरे वाले कैमरे से करती हूँ, तो वो फिर सेव ही नहीं हो रही है। अब वो वीडियो पता नहीं कहाँ चली गई, क्या चली गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग तो एंड मतलब कंप्लीट करना ही है, तो उस कारण से फिर मैंने ये दोबारा शूट कर ली हूँ। और ये रही है, अभी ऐसे वो छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है पूरा। जोर से बोलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो?
यही है इनका, और बस यही है। चलो फिर मैं अपने इस ब्लॉग को मैंने कहा थोड़ा सा एंड करती हूँ। मैंने ऐसी कहा इतना प्यारा वीडियो दिया था ना, मेरे इतना गुस्सा आ रहा है मैं सच में यार। मैं एक तो अपने फ़ोन के ओरिजिनल कैमरे से शूट नहीं करती ना, मैं एक दूसरा है उससे करती हूँ, क्योंकि उस पर कैमरा फ्लिप भी हो जाता है ना, कि जो चीज़ तुम्हें दिखानी है तो तुम कैमरा बैक भी कर सकते हो, फ्रंट भी कर सकते हो, तो उसमें सारी क्या दिक्कत आ रही है। तो चलो कोई बात नहीं, तो बस ये था थोड़ा बहुत मेरा ब्लॉग कल का थोड़ा बहुत, और आज का अभी सुबह था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलूँगी, और अब मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, ठीक है। तो चलो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।